please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एक बड़ी खबर इस वक्त आनंद तिवारी दे रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव के परिवार पर एक और केस दर्ज किया है। लालू यादव, तेजस्वी, राबड़ी और कई अन्य लोगों पर बीएनआर मामले में केस दर्ज किया गया है। ईडी ने लालू के परिवार पर मंगलवार को केस दर्ज किया था। ईडी ने लालू और उनके परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज किया है। दरअसल रेलवे होटल्स के आवंटन में घोटाले का आरोप है। जब लालू यादव साल 2006 में रेल मंत्री थे और तभी इस तरह की गड़बड़ियों का आरोप लगा है। सीबीआई पहले ही केस दर्ज कर चुकी है, लेकिन ईडी ने 2006 में रेल मंत्री रहते हुए गड़बड़ी करने के आरोप में ईडी ने अब केस दर्ज किया है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, ईडी ने जो केस दर्ज किया है किन आरोपों के तहत? जी देखिए प्रशांत, पहले सीबीआई ने पूरे मामले में लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव और इन तमाम लोगों के खिलाफ जो एक होटल चेन थी उसको लाभ पहुंचाया था लालू यादव जब रेल मंत्री थे उस दौरान, और एक जो सुजाता होटल थी उसके टेंडर में हेरा फेरी हुई थी, उस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी। और उसके बिहाफ पे परसों दो दिन पहले जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने पीएमएफ ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। जो पैसों का करप्शन हुआ उसके जहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई है, जिस तरह से आईआरसीटीसी के जो डायरेक्टर साथ मिलकर जिस तरह से भी होटल चेन को लाभ पहुंचाया गया, जो धन अर्जित किया गया उसके करप्शन के ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई है। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कई लोगों के बयान भी ईडी है जो दर्ज, और देखना ये है कि अब केस दर्ज करने के बाद किस तरह से कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बिहार की सियासत में कल शाम से शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा आज सुबह तक चला। 20 महीने का महागठबंधन टूट गया और नए सियासी समीकरण बने, जिसमें नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़ दिया और सुशील मोदी का हाथ थाम लिया। ये बिल्कुल ठीक समय था भाजपा आरएसएस का। बिहार के लोगों के निर्णय होगा, वही निर्णय लेंगे। तल्ख रिश्ते रातों रात बदल गए। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की। ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी। बिहार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको एक रास्ता मिले। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बिला वजह का यह बात कि संवादहीनता है, मिल लेंगे, समस्या का हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। जिस अंतरात्मा की बात नीतीश कुमार ने कल शाम सुनी वो एक बार पहले भी उन्हें बेचैन कर चुकी है। जो अलायंस था उसका जो बुनियादी सिद्धांत था उससे जब साफ साफ भटकाव दिख रहा है, तो वैसी परिस्थिति में जनता दलियों ने राजनीतिक निर्णय लिया है। सरकार ठीक ढंग से चल रही थी और हालात ये पहुंच गए कि अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करना, उसको भी माना गया कि वो किसी के खिलाफ है। तो इस बार नीतीश ने महागठबंधन को अपने सिद्धांतों की ठोकर मारी है। अब नीतीश के विरोधी कहते हैं ये सिद्धांत वक्त और मुद्दों पर अपना फायदा साधते नजर आते हैं। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाया तो नीतीश कुमार ने 17 साल पुराने गठबंधन से ही नजरें फेर ली। हालात ये हो गए कि हम अपनी उपलब्धियों का, जिसे हम मानते रहे कि साझा उपलब्धि थी, इन उपलब्धियों से लोगों को परेशानी होने लगी। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके। तो चाहते थे बिहार में अगर चल रहा तो चले, लेकिन हम अपने बुनियादी सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के तेजी से दौड़ते रथ को रोकने के लिए नीतीश ने आरजेडी का दामन थाम लिया। बढ़ती तकरार कई बार तंज के रूप में सामने आई। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो,
काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे भूल हो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगा था। हम ये तो जानते थे कि महास्वार्थ बंधन जो बना है इसमें तीन दल जुड़े हुए हैं, आरजेडी है, जेडीयू है और कांग्रेस है। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू ने अपने पहले मुशायरे में भी ये थ्री इडियट का गीत क्यों ले आए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की लड़ाई कई बार तो शब्दों की बंदिश भी भूल गई। अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वेले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। चाणक्य ने यहां से अर्थशास्त्र लिखा, आर्यभट्ट ने खगोल विद्या की रचना की, दुनिया को शून्य दिया, ये वो बिहार है और इसका डीएनए खराब। डीएनए खराब, हमारा डीएनए वही है जो हर बिहारी का डीएनए है, हमारा कोई अलग से डीएनए नहीं है। बीजेपी और जेडीयू में दूरियां लगातार बढ़ती गईं, लेकिन पिछले 20 महीने में वक्त बहुत तेजी से बदला, नीतीश के सुर भी बदल गए। एक तरफ शराबबंदी पर पीएम मोदी ने नीतीश की तारीफ की, तो नोटबंदी पर नीतीश ने पीएम मोदी का साथ दिया। नीतीश सोनिया की बैठक से दूर होकर पीएम के भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति चुनाव पर नीतीश ने एनडीए का साथ दिया। 20 महीनों में ऐसे कई मौके आए जब पीएम मोदी और नीतीश एक मंच और मुद्दों पर एक दूसरे से सहज दिखे। नीतीश की नजर आरजेडी से अलग भविष्य पर थी। उधर लालू परिवार तेजी से आरोपों के बीच घिर रहा था। भ्रष्टाचार के मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। नीतीश कुमार को तेजस्वी पर लगे आरोप खटकने लगे। सावन के महीने में महागठबंधन पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे और आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा राजनीति के जानकारों को पहले से ही हो गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर त्याग पत्र सौंपा। नीतीश ने इस्तीफा दिया और पीएम मोदी ने उन्हें फौरन ही बधाई दी। फिर तो महज कुछ ही घंटों में बिहार में एक नया गठबंधन तैयार हो गया। देखिए, पहले की तुलना में निश्चित आपको बदलाव दिखाई पड़ेगा और जो एनडीए की सरकार का जो शुरू का 7.5 साल था उसमें जिस तरह का विकास और काम हुआ है उसी प्रकार का विकास और काम इस बच्चे में 40 महीनों में बिहार के अंदर दिखाई पड़ेगा। नीतीश कुमार ने बिहार की बिसात पर ऐसी चाल चली कि लालू प्रसाद यादव देखते रह गए और महागठबंधन बिखर गया। भोले शंकर बाबा के तरह बोल दिया जाओ, ये तो भारी भस्मा सुर निकला। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूँ कि मिल के भाजपा से सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का केस करवाया, ये बिल्कुल फिक्स मैच था भाजपा आरएसएस का। गुस्साए लालू ने आरोपों की बौछार कर दी तो कांग्रेस ने नीतीश को धोखेबाज कहा। नीतीश जी ने अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए उन्हीं लोगों से वो गले लग गए हैं। देखिए, राजनीति में पता लग जाता है आदमी के दिमाग में क्या होता है। क्लियरली मुझे मालूम पड़ गया था कि नीतीश जी ने ये प्लानिंग, मतलब देखिए मैं सच बताऊं तो 3-4 महीने से हमें पता था कि ये प्लानिंग चल रही है। आरजेडी कह रही है कि बड़ी पार्टी होने के नाते मौका उसे मिलना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई सोशल मीडिया पर भी दिखी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कुछ इस अंदाज में चुटकी ली। उन्होंने लिखा कि ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। हर मुद्दे पर अपनी कीमती राय पेश करने वाले दिग्विजय सिंह ने भी इस मौके को जाने नहीं दिया। ऐसा कोई ट्रेन छूटी जा रही थी जिसकी वजह से आपने, जैसा कि रातों रात चोरी डकैती होती है उस तरह से आपने जो किया, ये नैतिकता तो मैं इसे नहीं कह सकता। हालांकि नीतीश के इस फैसले से उनकी पार्टी के कुछ लोग खफा दिखे। मेरा जमीर यह गवारा नहीं करता, इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं उनके इस कदम का समर्थन करूं। विरोधी कहते हैं कि राजनीति का नाम ही अवसर है जिसे नीतीश ने हर दौर में पहचाना, लेकिन नीतीश का ये दाव
विपक्ष को बहुत भारी पड़ा और नीतीश कह रहे हैं कि वक्त आएगा तो वो सबको सही जवाब देंगे।